भाई एसी वेसी सब बंद है आज के दिन के लिए, स्टाफ वाले बोल रहे कि रुपए से बंद है। और एक और चीज, एसी कब से बंद है? रुपए से बंद है तो बंदे रिटर्न चले जाते होंगे जल्दी जल्दी। हाँ पूरा खाली है रुपए से पूरा फॉर्म मॉइस्चराइज फैल जाएगी अभी धीरे धीरे इधर पूरा ऐसा हो जाएगा। हेलो कैसे हो तुम लोग? हर दिन कैसे मैं नया इंट्रो बना सकते हो तुम लोग खुद बताओ। कल तो मेरे को ट्राइपॉड मिल गया तो मैंने दूसरी जगह पे रख के बात कर ली। हमेशा नहीं कर सकता वैसे। कल ना एक मस्त हो रहा मेरे पास फोटो है यार, मतलब मैं जब डंबल कर्ल कर रहा था इंक्लाइन पे, इंक्लाइन डंबल कर्ल बोलते उसको, तब जब मैंने बोला कि मैं टिल फेलियर तक जाऊँगा तो मैं फुल फेलियर तक गया। एंड फिर यहाँ से 2 इंच जैसे बाहर आए, जैसे आतड़े जैसे बाहर आते ना वैसे वैसा किया, तो उसका स्क्रीनशॉट रखा मैंने अपने पास। भारी लग रहे थे तो देख लो मस्त ना। मैं वो थंबनेल में डालने वाला था बट फिर मैं छोड़ जान दो। बट टाइम बाद ऐसा लग रहा लगेगा ऑलमोस्ट 10 to 15 ब्लॉक्स के बाद मैं ये लाइट चालू किया। यानी मैं आ रहा हूँ डायरेक्ट दुकान से, सोया चंक्स भिगो देता हूँ 100 ग्राम्स, अभी भी जाके करके आया, गैस पे उबल रहे हैं, उसके बाद उसको निचोड़ने का हाथ दुख जाते हैं। मैं थोड़ा आलसी जैसा हो गया लाइक तेल वेल लगाने में, मतलब मैं मम्मी को ही बोलता हूँ लगाने। मैं सच बताऊँ ना तो मैं वीक में सिर्फ एक ही बार तेल लगा रहा हूँ आजकल, लाइक झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। लाइक 2 बार 3 बार लोग लगाते हैं ना, ऐसा नहीं है, मतलब मैं वीक में सिर्फ एक ही बार हो रहा है अभी। बोले क्यों? क्योंकि मैं आलसी हूँ, बार बार गया ना तो हो गया मेरा वो बैश एंड ड्राइव वगैरह चले गया, हो गया मेरा इतना काफ़ी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं ध्यान नहीं देता, मतलब इवेंचुअली ऐसा सीन है। एंड मेरे को कभी कभी रियलाइज़ भी नहीं होता, मतलब मेरे बाल बंधे हुए रहते पूरा दिन, तो मेरे को कभी कभी रियलाइज़ भी नहीं होता कि भाई मेरे बाल सच में बड़े हैं। और लाइक मैं बाल खोलता तब रियलाइज़ होता है भाई बड़े हैं तेरे बाल, फिर से बाल। पहले मैं इंस्टाग्राम पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो डालते हैं लाइक जिम जाने का, तो उसमें लेग्स के दिन मज़ा नहीं आता है लाइक, बहुत ऐसा एकदम इरिटेटेड होते, गुस्सा मज़ा नहीं आएगी जल्दी ख़त्म हो जाए वाला। एंड चेस्ट के दिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो मैं जिम नहीं जाता था, बस देखता था क्या फील होने लगा कि तो चेस्ट के दिन सच में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अगर चेस्ट पे तो बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं हो चेस्ट हिट करने का, बिल्कुल लाइक इवन तो मेरा वर्स्ट बड़ी बड़ा हुआ चेस्ट, बट फिर भी लाइक मेरे को इरीटेशन फील होता है। आई मीन लेग्स के दिन मेरे को इरीटेट फील नहीं होता है, लेग्स के दिन मेरे को सिर्फ एक वो बल्गेर स्पॉट्स के साथ थोड़ा सा लव हेट वाला रिलेशनशिप है, वरना मैं लेग्स मैंने आज तक मैं रोज़ कितना पहले 100 दिन से वीडियोज बना रहा हूँ, बोलने के लिए तो 100 दिन ऐसे लगते हैं जैसे 1 हफ्ता है, लेकिन देखा जाए तो 100 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें देख लेना मैंने 1 भी दिन लेग स्किप लिया है, और किसी दिन मेरा अगर बाय चांस जिम स्किप हुआ है तो वो दिन अगर मेरा लेग्स था नहीं हो पाया तो अगले दिन जाके लेग स्किप किया, बैक वैक स्किप कर दूँगा बट लेग्स नहीं करता। समझ में आया कि जो दिखते वैसा होता नहीं है। भाई एसी वेसी सब बंद है आज के दिन के लिए, स्टाफ वाले बोल रहे कि रुपए से बंद है। और एक और चीज़, जितना भी डंबल है सब साफ किया हुआ है, लाइक उन्होंने पानी दिख रहा है तो इधर पकड़ने जा रहे हो ना तो पूरा भाई एकदम स्लिप हो रहा है हाथ से मेरे, सब साफ किए।
इतना बेकार गर्मी, मतलब एसी बंद तो ठीक है, कोई सीन नहीं मतलब, बट फिर ऐसा हो जाए कि मुंबई है ये भाई, इधर का तुमको पता ही क्या हाल चलता है, पूरा पैक्ड है काइंड ऑफ थिंग, समझ रहे हो, एसी ऑन हो गया इसके लिए तो। और तुम अगर मैं जैसे हर सेट फील लेके जा रहा हूँ तो वो गर्मी प्लस वो इंटेंसिटी के साथ जो स्वेट आता है वो इमेजिन करो। इसके लिए मैं भी हर एक सेट में दो ही सेट रखा है आज के दिन पर, एंड आई शोल्डर स्किप करके कार्डियो ही करूँगा, या तो थोड़ा शोल्डर करके कार्डियो करूँगा, बट कार्डियो भी ज़्यादा नहीं, 15 to 20 minutes एंड देन बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। भाई दो लैटरल रेज के सेट्स किए थे, लाइक केबल में किए थे सिंगल हैंड वाले, ये देखो लाइक दो सेट किए थे, पहले वाला सेट फुल फेलियर तक गया था, थोड़ा हैवी वेट था, लाइक फॉर्म कंट्रोल था, इतना भी ये नहीं, फॉर्म पे मैं कभी भी घान नहीं करता हूँ। दूसरा वाला वही वेट के साथ जो हैवी वेट था उससे 10-12 reps, उसके बाद उससे कम वाला वेट उससे 10-12 reps, उससे ज़्यादा कम उससे फुल फेलियर था, ऐसा हाल हो गया। एक तो एसी चालू नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा मर गया गर्मी से। अरे जो हाल दिखा तुम लोग क्या होते यार, इधर धीरे धीरे देखो पूरा फॉर्म मॉइस्चराइजर भर गया कि अभी धीरे धीरे इधर पूरा ऐसा हो जाएगा, बेकार आ जा तू भाई, बट कोई नहीं, एटलीस्ट आदत होना चाहिए भाई। तो फिर जब ऐसे दिन आ जाए तो कैसा मन होता है भाई, मैं ही ट्रेन करूँगा, मैं जा रहा घर पे ये वो निकल जाता हूँ। मैं भी यही सोचा था कि कम ट्रेन करूँगा, थोड़ा कार्डियो वगैरह निकल जाऊँगा, लेकिन नहीं, मैंने चेस्ट भी अच्छे से ट्रेन किया एंड शोल्डर भी दो एक्सरसाइजेस किए उसका, लाइक दो सेट से किए, फुल फेलियर तक गया। लेकिन अभी कार्डियो करूँगा 10 से 15 मिनट जितना होगा और उसके बाद ही जाऊँगा, लाइक वो सेटिस्फेक्शन चाहिए, यहाँ पे आया तो कुछ करके गया, ऐसा नहीं बस आया देखा जिम ओके चले गया, नहीं कुछ करके जाना है अपने को, समझ लो। हालत तो डाउन हो गया पूरा, देख रहे हो भाई बिना मेहनत किए पसीना। थंबनेल में डाल दूँ क्या? भाई बोला था 10-15 मिनट करूँगा, लेकिन मैं मेरे भाई को क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कार्डियो मशीन पे चढ़ गया, पूरा भीग गया है, अभी एसी नहीं है, पंखा नहीं, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी कैसा, मेरे को पता है कि मैं कार्डियो करे बिना तो नहीं जा सकता यहाँ से, लाइक मैं जब भी जिम में आता हूँ, मेरे को जिस दिन कार्डियो करना होता है मेरा उस दिन माइंड सेट एक ही रहता है कि भाई वेट लिफ्टिंग फेलियर तो करना ही, बट कार्डियो तो मैं मिस नहीं कर पा रहा। कब से अंकल बंद है एसी, कब से बंद है, कैसे से बंद है, तो बंदे रिटर्न चले जाते होंगे जल्दी जल्दी। हाँ पूरा खाली है दोपहर से यार भाई, 10-15 मिनट बोला था कार्डियो करूँगा, लेकिन भाई झूठ नहीं, मशीन पे चढ़ा और मेरा माइंड बोला भाई अभी आ गए तो फिर रिटर्न नहीं जा सकते, फिर फर्क नहीं पड़ता है, माहौल जैसा है कैसा नहीं है। आज बोल सकता हूँ थोड़ा सा प्राउड हुआ खुद पे, वरना इतने दिन पे तो मेरे को खुद पे शर्म आ रहा था, एंड एवरी डे मेरे को खुद पे शर्म आता है, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज द वे आई लुक एंड द थिंग्स आई डिड इन द पास्ट, लाइक ये सब, ये जो हालत है मेरी, इतना फैट हूँ मैं, ये सब मेरे पुराने कर्म की वजह से, तो मेरे को हर एक दिन खुद से नफरत होता है और ज़्यादा से ज़्यादा नफरत होता है। इसके लिए मैं जिम स्किप नहीं करता, बिकॉज अगर यहाँ पर नहीं आया ना तो सच में भाई पता नहीं फिर क्या ही हो जाएगा, सच में तो यहाँ आना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। इसके लिए कभी भी अगर तुम लोग सोचते हो कि 7 के 7 दिन कौन जिम जाएगा, मेरे को ये नहीं पता ना कि भाई मैं हूँ, देखो मैं तुम लोग से ज़्यादा अच्छा ट्रेन करता हूँ, नहीं मेरा एक पर्पस है भाई, मैं सच बता रहा हूँ दिमाग ख़राब हो जाएगा मैं यहाँ पे नहीं आया तो। इसके लिए मैं कैसे भी कुछ भी करके लाइक बहाना ढूंढ लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, बट यहाँ पे आ जाऊँगा, और बाय गॉड अगर भगवान ने रोक दिया किसी दिन तो वो दिन नहीं आ पाया,
पर मेरे साइड से 100% ट्राई रहेगा कि भाई मैं आ रहा हूँ। तो अभी बोले खुद से प्यार करना चाहिए, भाई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं कर रहे हैं खुद से प्यार, वो जब टाइम था तब नहीं किया, अभी किया, अभी क्या फ़ायदा, अभी इम्प्रूव करना है, फ़र्क नहीं पड़ता है सच में। और आज बहुत अच्छा मोटिवेशन फील हुआ मेरे को, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा ना, देखो मेरे को पता है कि और करोगे तो अच्छा, बट देखो एकदम एक्सट्रीम भी नहीं लेके जाना है, लेकिन ज़्यादा सिग्मा छूदा गिरी नहीं करना है, लिमिट में रहना है, जितना है उतना करना है, विल पावर के आगे हो सकता है पुश करना है करो, बस एकदम एक्सट्रीम बाहर नहीं जाना है, थोड़ा सा पुश करना सही होता है, एकदम एक्सट्रीम नहीं। तो आज वही हुआ, तो भाई 10-15 मिनट बोल के पूरा कार्डियो सेशन ख़त्म करके उतरे हैं, क्योंकि आधा अधूरा स्टेज छोड़ के भाई तुम्हारा भाई कहीं आने से रहा। एंड ये फैट लॉस जिस दिन ख़त्म होगा मैं ये सब वीडियोस देखूंगा, तब जाके मेरे को खुद से थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगेगा कि नहीं भाई कुछ तो वर्थ है, या कुछ तो वर्क किया कि जिसके लिए तू बोल सकता है कि नहीं तूने खुद से कुछ तो किया, समझ लो। बट तब तक के लिए जंग रहेगा एक मेरा और मेरे माइंड के साथ या खुद के साथ कि भाई कैसे भी करके यहाँ आना है, एवरी सिंगल डे इम्प्रूव करना है, एवरी सिंगल डे मेरे को खुद से कम्पीट करना है, एवरी सिंगल डे मेरे को यहाँ पे आके ट्रेनिंग ख़त्म करना है, एवरी सिंगल डे यहाँ पे आके मेरे को अपना बैच देना है, दैट्स इट। ज़्यादा मोटिवेशन हो गया, सॉरी। मैं एक वेट उठा रहा था, तुम लोग दिखा रहा हूँ 25 किलोज होगा कुछ वो साइड पे, एंड ये तुम लोग ध्यान से देखो, तुम लोग को एकदम फ्रेश दिखेगा डंबल्स। तो ये लोग ने आज क्या किया है, ये देखो एकदम क्लीन दिख रहा है, ये लोग ने सब धोया है आज, एंड एसी का तो पता नहीं बंद हो गया है क्या, बंद हो गया होगा, दोपहर से बंद है वो बोले जैसे, तो ये सब धोया हुआ है। तो जब मैंने उठाया ना, इतना स्लिप हुआ और मेरे हाथ से, और इतना हैवी फील हुआ मेरे को कि भाई क्या ही बोलूं, इसे हो रहा ही नहीं था, लाइक इतना हैवी मैं फील हो रहा है कि मैं बोला क्या ये इतना क्यों हैवी फील हो रहा है। प्लस वो पानी लगा हुआ था, ये जो है ना ये साइड पे, ये इधर एक तो पानी फील होता और वो बहुत जाड़ा है, तो हाथ में ना वो कटता है वो हाथ एकदम, तो हुआ ही नहीं, स्लिप हो गया भाई। मैं बोले डंबल्स को हटाओ आज के दिन भाई, फालतू में इंजरी नहीं चाहिए भाई अपने को, मशीन यूज़ किया, केबल वगैरह यूज़ किया अच्छे से, एंड अभी गायब। बट ऐसा नहीं किया कि भाई एसी नहीं है, हवा नहीं है, बहुत गर्म हो रहा है एकदम, ऑलरेडी मुंबई में गर्मी कितना है ना भाई, जो मुंबई में रहते हैं उनको पूछ लो, बहुत गर्मी है इधर भाई, लेजिट वाला गर्मी है। तो और उसमें भी जिम आके एकदम पूरा पैक्ड जिम टाइप है, और उसमें तुम ट्रेन करके जा रहे हो, एक्चुअली पंखा चालू करोगे, ये है वर्थ इट। लाइक मैंने क्या सोचा, जब मेरा कार्डियो 15 मिनट पे था और आधा घंटा मेरा करना होता है, लाइक टोटल 35 मिनट्स करता हूँ, मैंने बोला घिस दे और बाहर जाके तो हवा खाना ही है, तो थोड़ा टाइम के लिए कंफर्ट के बाहर रह के थोड़ा झेल ले, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ऑलरेडी एक घंटा तो वेट ट्रेनिंग किया था, तभी इतना यही माइंड सेट पे था कि कर ले हो जाए कोई सीन में, तो थोड़ा अभी हवा खाता रुको। हर जगह पे हवा खाऊंगा, आज के इतना काफी। सच बताऊँ तो वर्स्ट डे से इरिटेटेड हो गया आया था, तुम्हें पता है मैं जहाँ पे बैठा था सीढ़ी पे, तब बोल रहा था चेस्ट डे सबसे बकवास लगता है मेरे को, रिजल्ट था जो मतलब जो फ्रूट जो चाहिए होता है कुछ किसान के लिए मूवमेंट के लिए वो मिला मेरे को अच्छे से, तो एकदम इरिटेट होके जा रहा था एंड अच्छा फील होकर मैं निकला हूँ, तो दैट इज़ वॉट इट्स ऑल अबाउट, एंड यही चाहिए होता है एक पुश ऑन के लिए। कल फिर आएंगे, फिर नेक्स्ट ट्रेन करेंगे, मौत से आएंगे, एंड होप सो ना भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि इससे अच्छा फील होगा, लाइक वो डिपेंड करता है यार, आज अच्छा फील हुआ, लाइक आज जब जिम आया था तब बकवास, जब तुम्हें पता है मैं सीढ़ी बैठ के राउंड रो नहीं कर रहा था, बट झूठ नहीं बोल रहा था ये भी सुन लो, कम हो रहा था माँ कसम, सच में जितना गर्मी कर रहा हूँ सच में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, और मुंबई में है अपन, मुंबई में रहने वालों को पूछ लो कैसा फील होता है भेंचुर, इधर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी चढ़ा हुआ है भाई, वो बारिश एक दिन आया उसके बाद फिर से वही वाला गर्मी चढ़ गया है, तो समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, अभी भी मुंह देख लो मेरा, टी शर्ट फिर से भीग गया भाई, ये ब्लैक भाई अट्रैक्ट भाई, गर्मी अट्रैक्ट कर। ब्लॉग एंड करता हूँ, आई होप यू गाइस एंजॉयड, करना करो सब्सक्राइब, नहीं करना मत करो, मैं नया चैनल खोलने वाला वंश खंडिया व्लॉग्स नाम रख दूंगा उसमें, बस बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, ठीक है, एंड
बस पुश करते रहो खुद को, ध्यान रखो तुम्हारा भी टाइम आएगा, अपन सबका आएगा, बस अपन खुद को लगे रहना है और अपन खुद लेके आएंगे, समझ लो आएगा वाएगा वाली बच्चों पर मैं भरोसा नहीं रखता, जिसको पूछूँगा जितनी मेहनत करूँगा उतना मेरे को मिलेगा या नहीं मिला, जो भी देखो मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए, बाकी तो भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है भाई मैं जा रहा, ठीक है जान रखो, प्लीज़ आज फिर भगवान का नाम लिया तो आज उंगली नहीं दिखाऊंगा।